गुजरांवाला, आज मैं सारा दिन आपके शहर में हूंगा और अपने गुजरांवाला के बशऊर शहरियों से मैं आज आपको आगे आने वाले वक्त का रास्ता दिखाऊंगा। गुजरांवाला, ये याद रखना कि जब तक के कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होती, उस कौम की कोई दुनिया में हैसियत नहीं होती, दुनिया में इज्जत नहीं होती, उसके पासपोर्ट की दुनिया में कोई कदर नहीं होती। क्योंकि गुलाम कौम ऐसे है, जैसे मौलाना रूमी ने कहा था इंसानों को, कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए, अल्लाह ने जब तुम्हें परवाज के लिए पर दिए, तो क्यों चींटियों की तरह जमीन पे रींग रहे हो। जो कौम गुलाम होती है वो कीड़े मकोड़ों की तरह रहती है, उनके हकूक नहीं होते, उनके लोगों की इज्जत नहीं होती। आजम स्वाती जैसे लोग, सेनेटर, उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद होता है। आम आदमी थाने और कचहरी में रुलता है, उसको बुनियादी हुकूक नहीं होते क्योंकि वो गुलाम होते हैं। उनके फैसले बाहर से स्क्रिप्ट मिलती है कि आपने रूस से तेल नहीं लेना क्योंकि सस्ता तेल मिल रहा है हिंदुस्तान को रूस से, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं पाकिस्तानियों को कि सस्ता तेल रूस से लेके महंगाई कम करें, क्योंकि गुलाम है। जो हुक्मरान है वो फैसला करने से पहले अमेरिका से एनओसी लेते हैं कि सर हम ये कर सकते हैं, तेल ले सकते हैं या नहीं। तो मैं गुजरांवाला आपके पास आज सारा दिन आपको एक चीज बताऊंगा कि अल्लाह ने हमें आजाद, हमें कैसे आजाद किया है। जब अल्लाह कहता है, जब अल्लाह के सामने अब दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं हम झुकते, ये दावा है आजादी का। और जब फिर हम किसी सुपर पावर के सामने घुटने टेकते हैं, मेरी नजर में ये शिर्क है। जब एक किसी पाकिस्तानी शहरी को तशद्दुद होता है उस पर, जो आजम स्वाती शबाज गिल पे हुआ, जो अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा और कत्ल किया, शहीद किया उसको, क्योंकि वो हक और सच पे खड़ा था। ये गुलाम कौमों में होता है, आजाद कौमों में ये नहीं होता। आजाद कौमों के हकूक होते हैं, शहरियों का अदालतें उनके बुनियादी हकूक की हिफाजत करती हैं। और दूसरी चीज गुजरांवाला, मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपने मुल्क को टूटते देखा था। ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ था, मैं ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मैच खेलने गया, हमें पता ही नहीं था कि वहां कितना गुस्सा है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। क्यों गुस्सा था? क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी जमात, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, वो ईस्ट पाकिस्तान से थी, वो इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा यह था कि जो उनका हक था, जो मैंडेट था, वो नहीं दिया जा रहा था।
क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि यहां एक सियासतदान, उसने साजिश की अपनी कुर्सी के लिए। उसने ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जो इलेक्शन जीत गई थी, उनको हक नहीं दिया कि जो उनका हक था कि जब इलेक्शन जीते तो उनको क्यादत करनी चाहिए थी। वो उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, हमारा मुल्क आधा हो गया। आज फिर यह जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है और ये और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, ये दोनों डाकू मिलके कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करें, एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा करें। ये साजिश है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। और सुन लो, हम इमरान खान की जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान ने, सुन लो गौर से, मेरे ऊपर कोई 30 FIR काट चुके हैं, दहशतगर्दी का केस मेरे ऊपर कर चुके हैं, मेरे ऊपर वो एक इनका शरीफ खानदान का घर का पालतू नौकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अलहदा मेरे पे केस कर रहा है। उसको तो खैर मैंने अदालत के अंदर लेके जाना है और 10 अरब का हर्जाना करूंगा इसके, इस बदनीयत आदमी के खिलाफ। ये सब मिलके, ये सारे मिलके एक इनका मकसद है कि किसी तरह ये चोर ऊपर मुसल्लत हो जाएं और पाकिस्तानी फौज को टाकरा करवाएं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और वाहिद जमात जो एक फेडरल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। इनकी तो खानदानी जमातें सुकड़ के छोटी छोटी जमातें रह गई हैं। ये तो थोड़ी, मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे हलके में जाके तुम्हें हराऊंगा। और जरदारी, जरदारी, तुम और तुम्हारा देसी वलैती बेटा जो अंग्रेज की तरह उर्दू बोलता है, बारिश आता है तो पानी आता है, 14 साल में उर्दू नहीं सीख सका। मैं सिंध आ रहा हूं, मुझे जरा इधर से फारग होने दो। जरदारी, तुम्हारे पीछे मैं सिंध आ रहा हूं, तैयारी कर लो। सिंध के लोगों को सबसे ज्यादा आजादी की जरूरत है, सबसे ज्यादा जुल्म सिंध के लोगों के ऊपर है। तो इंशाल्लाह हम वो जमात है और मैं वो सियासतदान हूं जिसने मुल्क से बाहर नहीं भागना। मैं नवाज शरीफ नहीं हूं कि हर वक्त जब उसके ऊपर कोई केस होता है पहले मुशर्रफ के घुटने घोड़े पकड़ के NRO लेके बाहर भाग गया, फिर NRO लेके वापस आया, फिर यहां डाके मारे, फिर जब वक्त आया एहतसाब का, फिर इसने अपने रिजल्ट, जो इसके मेडिकल रिजल्ट थे उनमें भी धांधली की और उसके बाद बीमार करके फिर बाहर भाग गया। और आप इंतजार कर रहे हैं कि जनाब बड़े ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट से इसको NRO मिलेगा और ये वापस आ जाएगा, जिस तरह मनी लॉन्डरर इसहाक डार वापस आ गया। नवाज शरीफ, तुम सब, मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं कि इंशाल्लाह हम सब मिलके डाकू नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे।
और सीधा एयरपोर्ट से तुम्हें अडियाला जेल लेके जाएंगे। और मेरी कौम सुन लो, ये वक्त है अपने आप को हकीकी तौर पे आजाद करना, और आजाद हम करेंगे इंसाफ के जरिए। हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ते रहेंगे, इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे, ताकि कानून के सामने सब एक बराबर हो। ये नहीं कि बड़ा डाकू मुल्क लूट जाए, पैसा बाहर ले जाए और उसको एनआरओ मिल जाए, और बेचारा है छोटे लोग, गरीब लोग महंगाई बेरोजगारी में मजबूरी में वो चोरी करे तो जेलों में गल सड़ रहे हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था, कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तानियों, ये निजाम नहीं चल सकता, इसको बदल के लिए हमने इसको बदलना है। जब कहते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान नहीं बचाएगा, आप बचाएंगे पाकिस्तान को, आप मेरे साथ मिलकर इस मुल्क को आजाद करेंगे। और आजादी सुन लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इंसानों को आजाद किया था, सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम करके। अदल और इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, नहीं तो इंसान चूंटियों की तरह जमीन पर रींगते हैं, ऊपर परवाज नहीं होती इंसानों की जो गुलाम हो, जिधर इंसाफ ना हो। अल्लाह ने बार बार कुरान में हुक्म किया कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। ये इंसाफ नहीं है कि आजम सवाती 75 साल के सेनेटर को तशद्दुद करो जेल में, उसके घर में जाके उसकी पोती और पोतियों के सामने उसको मारो, उसके कपड़े उतारो, उसको जलील करो, उसके ऊपर तशद्दुद करो। आज सारे आजम स्वाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मोबाइल फोन पे देखो, देखो उससे क्या जुल्म हुआ है। और चीफ जस्टिस साहब, मैं पाकिस्तानी कौम के सामने खड़ा होकर आपसे आज आपसे मैं अपील कर रहा हूं, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मतलब कि जिम्मेदारी आपकी कि आप आजम स्वाती, शहबाज गिल, जमील फारूकी जैसे लोगों को, आपका काम है इनको इंसाफ देना। केसेस पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, बुलाए उन लोगों को और कहे कि आजम स्वाती के घर जो कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों में सब पता क्या हो रहा था, क्यों वो एजेंसी के लोग वो कैमरे उतार के ले गए, ऑर्डर दे उनको वापस लेके आए कैमरे, शक्लें पहचाने उन लोगों की। ये सरकारी नौकर नहीं, ये मुजरिम है जिन्होंने उनको मारा, घर में आके पोती और पोतियों के सामने उनको मारा, एक सेनेटर को मारा। और वो क्या कह रहा था, उसकी आजादी राय है, उसके पाकिस्तान का आईन इजाजत देता था, वो कोई मुल्क दुश्मन नहीं था, वो कोई गद्दार नहीं था, वो कोई दहशतगर्द नहीं था। तो मैं चीफ जस्टिस साहब, ये जो हमारी हकीकी आजादी की तहरीक है, हम आपके तरफ और पाकिस्तान की अदलिया की तरफ देख रहे हैं, सारी कौम देख रही है कि आपने इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करनी है। अब आपने सब ने मेरे साथ खड़े होकर हल्फ लेना, आपने सब अपना हाथ उठाना है और ऊंचा मेरे बाद फैसला आगे बोलेगा, आपने सब ने ऊंची आवाज में बात करनी है।